झारखंड में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जो है एक सप्ताह के लिए जो है ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। वैसे में इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के खादगड़ा बस टर्मिनल पर। क्या कर रहे हैं सब? तो सबका टेम्परेचर नाप रहे हैं और सैनिटाइजर दे रहे हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए। सबसे पहले भी कर रहे थे या अभी? जब नहीं, पहले जब से लॉकडाउन लगा है तब से हो रहा है। ये नियम 1 सितंबर 2020 से ये नियम लागू है। ये साफ दिख रहा है हमारे खादगड़ा बस स्टैंड में कि लगभग पैसेंजर नदारद है, खामोशी पसरा हुआ है, पैसेंजर की भारी कमी है। सुबह से ही झारखंड के अंदर की गाड़ियां लगभग कैंसिल हो रही हैं क्योंकि यात्री नहीं है। राज्य के बाहर की जाने वाली बहुत सारी बसें हैं, अब शाम को पता चलेगा कितनी बसें जाएंगी और कितनी कैंसिल होंगी। सरकार द्वारा तय किए गए सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। और बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो जैसे तरह की भीड़ें देखी जाती थी आज से कुछ दिन पहले, वह भीड़ निश्चित रूप से नदारद हो चुकी है। और जो बस वालों का कहना है कि अब जो है सवारियां आज से जो है मिलना काफ़ी कम हो गया है। हम इस वक्त जो है कई सारी यहां बस स्टैंड में बसें लगी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं सवारी जो है बिल्कुल ना के बराबर है। बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं, संचालक हैं, जो बस टिकटों की जो काउंटर लगाई जाती है उसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि सभी टिकट काउंटर खालियां हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज से जो है कल जिस तरह की भीड़ देखी जाती थी आज कितनी कम भीड़ है? आज तो देखा जाए तो आज जो है आज से रांची का स्थिति बहुत ख़राब है। किसी बस में पैसेंजर नहीं है। बस मजबूरी से ही लोग स्टाफ को जीने के लिए ही मालिक लोग गाड़ी को चलवा रहे हैं। और बस क्या बताएंगे, आज गाड़ी जा रही है, बहुत कम बसें जा रही है, नहीं के बराबर। जहाँ 20 बसें आज मुश्किल से, जहाँ 50 सीट की बसें हैं उसमें 10 तो टिकट कटा हुआ है बस, बाकी बस खाली। फिर भी बस जाएगी, पैसेंजर को मजबूरी को देखते हुए जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको तो किसी तरह पहुँचाना ही पड़ेगा, बस यही कहेंगे। क्या मानते हैं आगे, एक सप्ताह पहले कितना भीड़ हुआ? एक सप्ताह पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन भीड़ आज से बहुत कम है और लगता है कि कल से बस नहीं ही चलेगी, आज भरी चलने की संभावना है। सरकार के आदेश पर ही आप लोग अपना बंद? नहीं, सरकार के आदेश तो बस बंद करने का नहीं है लेकिन बस बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगले बार तो सरकार के आदेश से बंद हुआ था बस, लेकिन इस बार ओनर के आदेश से बंद हो जाएगा। क्या कहिएगा आप लोगों को, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो सवारी लोग का है सब, हम लोग को तो दिक्कत है भाई, काम करना है, मिलना है पैसा। हम लोग के साथ तो परेशानी है ही है, साथ साथ सवारी लोग के साथ भी परेशानी है। कितनी टिकट कटा करती थी? पूरा फुल रहता था पहले, 80% टिकटें कट जाती थी, अभी तक 5% भी नहीं कटा है। लोग जाने से बच रहे हैं? लोग जाने से बच रहे हैं। कल तक तो 110% लोग जा रहे थे कल तक। लेकिन आज से कहीं तो बस संचालकों का कहना है कि जो है लोग जो है निकलने से बच रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो है सरकार ने जरूर पाबंदियां लगाई थी और कई दिनों तक जो है कई महीनों तक बसें का परिचालन बंद हुआ था लेकिन इस बार जो है लोग खुद से ही घरों से निकलना बंद कर दिए हैं और कहीं ना कहीं जाने आने से बच रहे हैं। और भी बस संचालक है, क्या कितना टिकट कटा है आज? एक भी नहीं कटा है, यहाँ से एक भी नहीं पकड़ा है, एक भी नहीं पकड़ाया, कोई भी टिकट नहीं कट रहा, सवारी है ही नहीं, सिर्फ गाड़ी दिख रहा है, सवारी है ही नहीं। क्या मानेंगे, कैसे चला पाएंगे आप? हाँ जी, गाड़ी लास्ट में बंद हो जाएगा, सवारी रहेगा तभी चलेगा, सवारी नहीं रहेगा तो कहाँ चलेगा गाड़ी, लास्ट बंद हो जाएगा गाड़ी। कितनी टिकट कटा करती थी आप लोग? हाँ जी, कितना टिकट कटता था? पूरा 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 गाड़ी पैक हो जाता था, अभी 5 भी नहीं कटा है टिकट। कहाँ से कहाँ जाती है? साहेबगंज जाती है, ललमटिया जाती है, महगामा जाती है, सिल्ली के अंदर भी लोग नहीं जा रहे हैं।
झारखंड के अंदर भी लोग जाने से बच रहे हैं। हाँ, झारखंड के अंदर जाने से ही बच रहे हैं। अभी दो दिन भीड़ था, उसमें चला गया सब, जिनको जाना था वो चला गया, लॉकडाउन के चलते चला गया हम लोग, एक भी सवारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ बस संचालकों का कहना है कि जो जिनको जाना था वो जो है लॉकडाउन होने के कारण कहीं पहले भी जो है चले गए हैं। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिन का वक्त है और निश्चित रूप से बस, कई सारी बसेज लगी रहती है। हालांकि इस वक्त जो है लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है बस पकड़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बसें जो है आने जाने का समय जो है इसी वक्त होता है और ज़्यादातर बसें यहां से खुलती हैं, यहां आती हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले साल तो और भी सन्नाटा था, लेकिन अभी इस बार परिवहन पर जो है रोक नहीं लगाई है सरकार ने, उसके बावजूद भी लोग जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण लोग पहले ही अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए। फिलहाल आज से जो ये एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य को देखते हुए जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए एक सप्ताह का जो है पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि कई लोग जो है घरों से निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है, सरकार ने भी कहा है कि अति आवश्यक पड़े तो आप घर से बाहर निकलें, लेकिन ना तो बाहर जाने से बचें। तो वैसे में आप यह तस्वीरें जो देख रहे हैं, यह बस स्टैंड की, बस टर्मिनल की तस्वीर है, और कई यात्री भी जो है अब भी जो है जाने के लिए चाह तो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, सिमडेगा से आए, जुम्मन मुर जाना है। तो टिकट वगैरह मिल गया? हाँ, टिकट मिल गया। ऐसा डर लग रहा था कि लॉकडाउन वगैरह हो जाए? हाँ, लॉकडाउन हो जाएगा, इसलिए घर जा रहे हैं। हम लोग मिस्त्री करते हैं, तेल से वाला काम चल रहा है, काम तो चल रहा था, लेकिन का कीजिएगा, वहाँ फिर दुकान उकान सब बंद हो गया, तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे, इसलिए हम लोग घर वापस जा रहे हैं। रांची में ही काम कर रहे थे? नहीं, सिमडेगा में। वहाँ से यहाँ आए हैं? हाँ, यहाँ से जाएंगे जमताड़ा। आप लोग काम पे भी असर पड़ा है? हाँ, कल परस तो किए थे वही यही गाड़ी में, आज तुरंत फिर वापस जा रहे हैं। परिवहन बंद हो जाएगा तो दिक्कत होगा? हाँ, दुकान सब बंद कर दिया सिमडेगा में, सब दुकान बंद कर दिया, इसीलिए हम लोग बोले चलो, काम तो चल रहा था, लेकिन खाने का वहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ का खाइएगा, दुकान बंद हो जाएगा तो काम चल रहा, लेकिन दुकान दूरी बंद जा रहा, बंद हो जा रहा था, चावल दाल कहाँ से, राशन का दुकान, हाँ सब दुकान बंद, इतना फैल गया है, इतना फैल गया, राशन का दुकान तो बंद नहीं करना, सब बंद कर दे रहा, सब बंद कर दिया, गाड़ी नहीं जा रहा तो बंद नहीं करेगा। अब यहीं पर देखिए ना, कहाँ दुकान खुला है, आदमी के पास पैसा, लेकिन खाने पीने मर जाएगा, मरेगा क्या, बीमारी से ज़्यादा तो खाने, हाँ वही तो बात है। ठीक, काम करते हैं हम लोग, वही टाइल्स वाला काम, मिस्त्री टाइल्स लगा। हाँ, तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कई प्रवासी मजदूर जो है जिस तरह से जो है राज्य से वापस गए थे बाहर और आए भी, और यह तस्वीर जो है कहीं ना कहीं लोगों की यह बयां कर रही है, जो लोग जो है कोरोना से तो मरेंगे ही, जो मर रहे हैं, लेकिन कोरोना से ज़्यादा भयावह स्थिति यह है कि लोग काम छूट जाने से, भूखे रहने से, अनाज ना मिल जाने से, और जो पैसे जो कमाते हैं खाते हैं, कमाने खाने वाले जो व्यक्ति हैं, रोज़ कमाना खाना, उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा असर जो है इस दूसरी कोरोना के दूसरे संक्रमण काल में निश्चित रूप से पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यह संक्रमण का कालचक्र कब तक चलता है और कितने लोगों तक जो है यह संक्रमण का जो है धीरे धीरे रफ्तार जो है पकड़ती जा रही है, इस पर कब तक काबू पाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।